नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। 11 वर्ष की उम्र में किसी को संगीत से लगाव हो जाए, पंडित भीमसेन जोशी जैसे गायक को अपना आदर्श मानने लगे और धीरे धीरे जब उनसे लगाव हो गया, उनको फॉलो करते रहे और अपने आप के इस शौक को, एक गायकी के इस शौक को अपने नाम के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कृष्णेंद्र वाड़ीकर की, जो शास्त्रीय संगीत का एक जाना माना युवा नाम है। स्वागत है कृष्ण जी हमारे इस कार्यक्रम। नमस्ते कृष्ण जी, आपने संगीत की शुरुआत किस तरह से की? पहले मैं पंडित श्रीपति पाड़ेकर जी से सीखा और उनके गायन से पहले पंडित अर्जुन सनाकोट जी, जो ग्वालियर घराने के गायक थे, उनके पास सीखा मैंने। और मेरे गुरुजी, मेरे दादा गुरुजी जो पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, उनके पास ले जाते थे और बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके गायन का प्रभाव मेरे मुझ पे हुआ। यही है मेरा भाग्य बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि महान गुरुजी मुझे मिले, उनसे विद्या प्राप्त हुई। मेरे माता पिता जी और गुरुजी एक संस्कार दिए मुझे और वही गायन पे आया, शायद भगवान की कृपा से। आपने कहा कि आपके दादा गुरु पंडित भीमसेन जोशी थे, वहाँ जाकर जब आपने गुरु के साथ वहाँ गए और आपने जो वहाँ जो कुछ सीखा, क्या लगता है उसके अनुभव की अगर हम बात करें तो? उसका अनुभव बोलता हूँ, जितना भी करो रियाज कम है और रियाज के हिसाब से पंडित भीमसेन जोशी जी, जो उनका अनुभव बोलते थे, हमारे गुरु जी खुद का अनुभव बोलते थे, तो हम जो अभी रियाज कर रहे हैं वो बहुत कम लगता है मुझे। खुद की बात बोल रहा हूँ मैं, और बहुत रियाज करना है, बहुत आगे बढ़ना है और गुरु जी का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, वो ताकत आना चाहिए अभी, जो कम महसूस कर रहा हूँ मैं। आपने कहा रियाज के बारे में अगर बात करें, रियाज कम कर पा रहे हैं। मैं संगीत में अनुशासन की बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह का अनुशासन आमतौर पर साउथ और नॉर्थ में देखने को मिलता है, वो अन्य देश के अन्य हिस्सों में देखने को नहीं मिलता। कि संगीत के जो आपके गुरु हैं, उनको एक पिता तुल्य, उनको गुरु, वाकई में गुरु का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने जो समय सीमा बांधी है, उन्होंने जो रियाज के तरीके बताए, उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश के अन्य हिस्सों में इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता है। एक गुरु शिष्य परंपरा, ये जो वाक्य है, एक संगीत में बहुत देखने को मिलता है और दिखता है भी। और गुरु जी से जो कुछ सीखते हैं वो मरते दम तक रहता है। और ऐसे ही किसी का गाना सुन के सीडी में या कैसेट में सुन के हम गा सकते हैं या उनका इमिटेशन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो गुरु से ही आना चाहिए और गुरु शिष्य परंपरा जो है वो संगीत और वेद मंत्र, इन दोनों चीज़ों में है। बहुत सारे लोगों को मानना है इस बात, और बाकी विषय में बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो मेरा मतलब की बात नहीं है। आप कर्नाटका से आते हैं, धारवाड़ से आते हैं, धारवाड़ अनुशासन प्रिय है। आप एक पुजारी के परिवार से आते हैं, जो मंदिर में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस के बाद उस मंदिर में एंट्री होती है, तो क्या वो अनुशासन भी आपके संगीत में कहीं ना कहीं योगदान देता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम पूजन करते हैं वैसे ही रियाज करते हैं। जो रियाज करते हैं उसी को पूजन मानते हैं। और जैसे हमारे साउथ में, तमिलनाडु में तंजावुर नाम के एक गांव है, वहाँ बहुत सारे कर्नाटकी संगीत विद्वान हैं। तो जैसे हम सोले में पूजन करते हैं वैसे हम वहाँ गए तो देखने को मिलता है कि संगीत का रियाज का मतलब क्या है। शुरुआती में वो स्नान संध्या करके शारदा पूजन करके रियाज को बैठते हैं। ऐसा जो है परंपरा, वही सच्ची श्रद्धा है संगीत और रियाज में और पूजन में। इसी से ही
एक वाइब्रेशन मिलता है हर संगीत विद्यार्थी को, और एक अच्छा कलाकार बनने के लिए ये सब विषय बहुत मायने में आता है। और ये सब चीज़ों में मेरे ख्याल से एक वाइब्रेशन प्राप्त होती है, इतना ही बोल सकता हूँ। आपने कहा हमारे जो दर्शक इस समय आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं उनको भी एक वाइब्रेशन मिल चुकी है, और निश्चित तौर पर आपको वो सुनना चाहेंगे कि आप एक झलक अपनी जरूर इन तक पहुँचाएं। अभी एक लाइन गा सकता हूँ अभी, क्योंकि विष्णुमय जो गो विष्णुमय जो वैष्णवाच धर्म भेद भेद ब्रह्म अमंगल विष्णुमय जो धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। मैं जानना चाह रहा था कि आप जो संगीत की अगर बात करें तो आपकी इस गायकी में दक्षिण भारतीय और नॉर्थ इंडियन दोनों ही संगीत का, साउथ और नॉर्थ दोनों का ही मिश्रण है, और भीमसेन जोशी की गायकी में भी उसी तरह का मिश्रण होता था, उसको लेकर क्या कहते हैं? संगीत संगीत ही है, वो साउथ इंडियन क्लासिकल हो या नॉर्थ इंडियन क्लासिकल, सुर सुर है, सरगम वही है, मगर पेश करना जो है वो अपने अलग अलग तरीकों से ये सब एक फॉर्मेट हुआ है। और कर्नाटकी संगीत में और हिंदुस्तानी संगीत में अभी बहुत कुछ लोग हिंदुस्तानी संगीत कलाकार जो है कर्नाटक संगीत का भी फॉलो कर रहे हैं, और कर्नाटक संगीतकार भी हिंदुस्तानी संगीत फॉलो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मगर अब्दुल करीम खान साहब जो फाउंडर ऑफ द किराना घराना, वो बेड़ाराम कृष्णप्पा वो मैसूर राज्य में बहुत बड़े संगीतकार थे, कर्नाटक संगीतकार, उनसे बहुत कुछ लिए, और उनका रिकॉर्डिंग हम सुने तो अब्दुल करीम खान साहब जी का, तो बहुत सारे विषय ऐसा सुनने को मिलता है कि ये कर्नाटक संगीत सीखे, इसलिए हमारे गुरुजी भी कर्नाटक संगीत सीखे थोड़ा, और वो मुझ में आया और मैं भी सीख रहा हूँ कर्नाटक संगीत। क्या बात है, देखिए एक शास्त्रीय गायक, शास्त्रीय संगीत के युवा गायक इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन इस बात को लेकर भी कटिबद्ध हैं कि मुझे भी अभी सीखना है और सीख रहा हूँ। कृष्ण जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको। सुनील जोशी, SR टाइम के लिए।